हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स के तरफ से और मारेटपल्ली पुलिस स्टेशन मिलकर एक गैंग जिसमें कि नारकोटिक्स और ड्रग स्मगलिंग का काम होता था, उसका डिटेक्शन हुआ और दो लोगों का अरेस्ट भी हुआ। इसमें इस अरेस्ट में 5 ग्राम्स ऑफ हीरोइन, 28 कैप्सूल ऑफ LSD, 32 एक्सटेसी टैबलेट, 3 kg ऑफ गांजा, टोटल वर्थ 2.5 लाख का सीजर हुआ है। इसमें जो गैंग लीडर हैं फ्रांसिस जेवियर, सन ऑफ M सुंदर राज, एज 20 ईयर्स, रेसिडेंट ऑफ कारखाना सिकंदराबाद। दूसरा K गौतम, सन ऑफ शशि कपूर, एज 20 ईयर्स, वेस्ट मारेटपल्ली सिकंदराबाद। और 3 इसमें एक्सकॉन्डिंग स्मगलर हैं जिसमें RM गौड़ अकबर, ये गोवा के रहने वाले, और सत्तार आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले। जो मेन अक्यूज है इसमें फ्रांसिस जेवियर, ये ओरिजिनली तमिलनाडु का रहने वाला है और लगभग 25 साल पहले इसके फादर तमिलनाडु से हैदराबाद आए और इंटरमीडिएट वेस्ली कॉलेज में डिसकंटिन्यू करने के बाद ये गलत रास्ते पर गया और खुद ड्रग्स का कंजम्पशन करता था। वहां से इसका लिंक एक स्मगलर RM गौड़ से हुआ जो गोवा में रहता था, और वहीं से हैदराबाद और गोवा का ये लोग स्मगलिंग शुरू किया। धीरे धीरे ये लोग बस में सामान लाते थे गोवा से और हैदराबाद से, और आज हमारे टास्क फोर्स और मारेटपल्ली लोग मिलकर ये केस डिटेक्ट किए और इन लोगों को अरेस्ट किए। ऐसे मौके पे आपके चैनल मीडिया की तरफ से पब्लिक से मैं अपील करना चाहता हूँ, खास करके नए साल के सेलिब्रेशन पर, कि किसी भी तरह का ड्रग्स या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस जो इलीगल है उसका यूज अपने प्रिमाइस में नहीं होने दें। अभी कुछ दिनों पहले हम लोग हैदराबाद के सभी होटल ओनर्स, पब ओनर्स, रेस्टोरेंट ओनर्स से एक मीटिंग किए थे, और उस मीटिंग में हम लोगों ने उनसे अपील भी की और उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बताए कि ड्रग्स का कंजम्पशन इलीगल है और माइनर को लीगल कंजम्पशन भी इलीगल है, और खास करके नए साल के सेलिब्रेशन के लिए ये सब चीज को वो अपने एरिया में अलाउ नहीं करें। तो इस पूरे ऑपरेशन में हमारे एडिशनल DCP टास्क फोर्स भूमि चक्रवर्ती और उनके साथ इंस्पेक्टर साउथ जोन राघवेंद्रा, वी नरेंद्र, N श्री साइलम, मोहम्मद थकीउद्दीन, साउथ जोन टास्क फोर्स के पूरे ऑफिसर्स और उनके साथ मारेटपल्ली पुलिस स्टेशन के ऑफिसर मिलकर ये ऑपरेशन किए। थैंक यू।